मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए मुहर्रम की नवी को मंडलायुक्त जयंत नालिकर, आईजी जय नारायण सिंह, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव सहित अन्य पुलिस के जवानों ने बख्शीपुर चौराहे से इमामबाड़ा तक पैदल गश्त किया तथा लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। गौरतलब है कि सोमवार को मुहर्रम के नवी का जुलूस मियाँ साहब के नेतृत्व में निकलता है, जो बख्शीपुर होते हुए वापस इमामबाड़ा पर जाकर संपन्न होता है। इस जुलूस में भारी संख्या में अकीदत मौजूद रहते हैं, इसके लिए पुलिस की व्यापक व्यवस्था की गई है। जुलूस को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए तथा लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने जिलाधिकारी सड़क पर उतरे और पैदल गश्त कर लोगों को बताया कि आप लोग निश्चिंत होकर अपना त्यौहार मनाएं, क्योंकि पुलिस आपके साथ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईजी जयनारायण सिंह और मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा, आप चला चला
नहीं बदला आज तक, चित्र बड़ी आर्मी नहीं रहा। देखिए आज 9वीं और 10वीं का जुलूस जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी से लेकर के और लगभग अगला 36 घंटा अर्थात जाते हैं मतलब 11 तारीख को सुबह 9 बजे तक जाते हैं। समय बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में सभी जनपदों में, विशेष रूप से गोरखपुर में हमने लगभग 300 करीब रिक्रूट कांस्टेबल एक कंपनी PSC इसके अलावा जाते हैं राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट जाते हैं और हमें पूरा विश्वास जाते हैं कि ये मुहर्रम का जो जुलूस चल रहे जाते हैं और जो ताजियत अपनाए जाएंगे ये सब शांतिपूर्वक संपन्न होगा। जाते हैं कि अपना जिस तरह से अभी पिछले 8 दिन सहयोग रहा है जाते हैं उसी तरह जाते हैं सभी लोग का इसी तरह सहयोग मिलता रहेगा और पूरी तरह से जो पुलिस प्रशासन है उनके लिए जाते हैं मुस्तैद है, हम पूरी तरह से शांतिपूर्वक इसको जो है संपन्न कराएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे गोरखपुर में पारंपरिक रूप से मुहर्रम मनाया जाता है और उसमें जो ताजिए और ताजिए के जुलूस हैं वो निकलते रहे हैं और नेक्स्ट 2 दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उसी को हम लोग जायज़ा दे रहे थे। बहुत सारे पुलिस सुरक्षाकर्मी इसमें लगे हुए हैं आयोजन में और शांतिपूर्वक तरीके से हो तो एक प्रयास है कि उनकी भी हौसला अफजाई हो और हम लोग देख सकें कि मोटा मोटी जो अरेंजमेंट हैं वो ठीक किए गए हैं, टेम्परेरी चौकी बनाई गई हैं, लोग सजग हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास किया है कि हम लोग थोड़ा रात में इसको देखें और आशा करते हैं कि ये शांतिपूर्वक तरीके से हो जाएगा।